दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक इंजीनियर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आप लेटेस्ट टेक वीडियोस देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्निल एंड वेलकम टू टेक इंजीनियर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है आप बिटकॉइन माइन कर सकते हो गूगल एक्सटेंशन का यूज करके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है बिटकॉइन क्या है, किस तरह से इसका यूज होता है और किस लिए होता है। देखिए दोस्तों, बिटकॉइन जो है एक क्रिप्टो करेंसी है। इसको जो है 2009 में बनाया गया है। किसी पर्सन ने इसको बनाया या फिर किसी ग्रुप ने इसको बनाया अब तक जो है पता नहीं चल पाया है। और दोस्तों अभी जो है इस बिटकॉइन को जो है एक डिजिटल करेंसी के रूप में जो है यूज किया जा रहा है। और आज की डेट में जो है एक बिटकॉइन का जो रेट है वो है 12 लाख रुपए, यानी कि 12 लाख रुपए का जो है आज के डेट में एक BTC का जो है रेट है। तो देखिए दोस्तों, बिटकॉइन अगर आपको माइन करना है, बिटकॉइन अगर आपको जो है अपनाना है, तो इसके जो है दो तरीके। एक तो आप बॉय कर सकते हो, यानी कि आपका कुछ पैसा लगाकर कुछ इन्वेस्टमेंट करके जो है आप उसको जो है बिटकॉइन को माइन कर सकते हो, और जब चाहे तब उसको जो है सेल कर सकते हो। और जो दूसरा तरीका है दोस्तों वो है बिटकॉइन माइनिंग का। तो मैं आपको जो है बिटकॉइन माइनिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है आप बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हो आपके गूगल क्रोम ब्राउजर का यूज करके। तो देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको जो है बिटकॉइन माइन करना है, उसकी जो माइनिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से जो है वॉलेट पे अकाउंट बनाना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हो आपके PC का यूज करके, आपके लैपटॉप का यूज करके, तो ये तरीका आपके बिटकॉइन कमाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए जो है फायदेमंद रहने वाला है या फिर नहीं। तो वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए जो है गूगल क्रोम ब्राउजर होना आवश्यक है। उसके बाद में दोस्तों आपको जो है बिट डिगर का जो है एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी जो है लिंक दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो है बिट डिगर जो है एक्सटेंशन डाउनलोड हो गया है। एक्सटेंशन डाउनलोड होने के बाद तुरंत अपना जो है बिटकॉइन माइनिंग का जो है प्रोसेस शुरू कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप चाहे तो इसकी जो स्पीड कम कर सकते हो, लो नॉर्मल या फिर जो है हाई कर सकते हो। जितना आपका स्पीड ज्यादा होगा उतना ही ये जो है माइनिंग जल्दी जल्दी से कर लेगा। और दोस्तों यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन दिए गए, बैकअप का, रिस्टोर का। आप जब भी आपकी सिस्टम चेंज करें, आपका PC चेंज करें, तो इसको बैकअप ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ताकि आप जो है बिटकॉइन की माइनिंग जो है जहाँ से आपने स्टॉप किया था वहाँ से आप रिस्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपका 0.001 बिटकॉइन कंप्लीट होने के बाद में आपको विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे जो एक बिटकॉइन एड्रेस लगेगा। इसके लिए जो दोस्तों आपको जो है एक बिटकॉइन वॉलेट पे जो है अकाउंट क्रिएट करना होगा आपका। तो चलिए मैं आपको इसके बाद की प्रोसेस बता दूँ कि किस तरह से जो है आपको बिटकॉइन वॉलेट पे जो है आपको अकाउंट क्रिएट करना है। तो फ्रेंड, जब से बिटकॉइन आया है तब से बिटकॉइन वॉलेट भी बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में। आप देख सकते हो इस तरह के कुछ जो है बिटकॉइन वॉलेट आपको दिख जाते हैं। तो आपको ऐसा एक बिटकॉइन वॉलेट चूज करना है जिसमें जो है आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी सपोर्ट करता हो, आपके डेस्कटॉप पे भी सपोर्ट करता हो। तो इसमें जो है मैं coin.space जो है वॉलेट में इसको चूज कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो है दोनों भी जो है ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो है लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जो है इसको ओपन कर सकते हैं वेबसाइट को। इसके बाद जो दोस्तों आपको क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है और जनरेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से जो है दोस्तों आपका जो एक पासवर्ड ओपन हो जाएगा जो कि 12 वर्ड्स होंगे। इसको आपको जो है अच्छे से जो है कॉपी करके रख देना है, ताकि अगली बार आप जो है एप्लीकेशन के थ्रू या फिर किसी डेस्कटॉप के थ्रू अगर आपका अकाउंट ओपन करते हो तो आपको जो है ये जो पासवर्ड अकाउंट ओपन करने के लिए लगेगा। इसको जो है एग्री कर दीजिए और इसको सिलेक्ट कर दीजिए, सेट योर पिन कर दीजिए। आपको जो है 4 डिजिट का पिन यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो है इस तरह कुछ जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे आपका यूजर नेम डाल सकते हो, आपका जो है ईमेल डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको जो बिट डिगर के लिए एड्रेस चाहिए था तो आपको यहाँ पे रिस्यू में जाना है। रिस्यू में जाने के बाद जो है यहाँ पे जो यूर वॉलेट एड्रेस है इस पर जो है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है आप बिट डिगर पे जो है इसको पेस्ट कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, आपके बिटकॉइन वॉलेट में जो भी जो है बिटकॉइन जाने वाले हैं आप उसको जो है एक्सचेंज नहीं कर सकते आपके करेंसी में। इसको जो है एक्सचेंज करने के लिए आपको जो है और एक वॉलेट लगने वाला है
जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कि किस तरह से जो इस वॉलेट को जो है अकाउंट क्रिएट करते हैं और किस तरह से जो इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके लिए जो है मुझे मोबाइल पे जाना होगा। आगे की जो प्रोसेस है दोस्तों मैं आपको मोबाइल पे समझा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हम मोबाइल पे आ चुके हैं। मोबाइल में जाने के बाद दोस्तों आपको प्ले स्टोर में जिप पे का एप्लीकेशन सर्च कर लेना है। जिप पे का एप्लीकेशन सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर के साथ में जो एक वन टाइम पासवर्ड आपको मिल जाएगा, इसको वेरीफाई कर लेना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद में दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन के लिए एक 4-डिजिट पिन चूज कर लेना है। आप कोई भी पिन डाल सकते हो 4-डिजिट का। फ्रेंड्स आप चाहे तो इसको जो है पिन के जरिए भी यूज कर सकते हो या फिर आपके फिंगरप्रिंट के जरिए भी यूज कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से कुछ जो है एप्लीकेशन ओपन हो गया है। इसके बाद जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है कि वेरिफिकेशन का। आपको इस एप्लीकेशन को जो है चलाने के लिए या फिर जो इस एप्लीकेशन का यूज़ करने के लिए आपको वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से जो आपको वेरिफिकेशन करना है। तो दोस्तों देखिए राइट साइड में जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है सेकंड नंबर का वेरिफिकेशन का। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो है ईमेल, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड ये जो है वेरीफाई कर लेने हैं। तो इसको जो है मैं जल्दी से यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ईमेल वेरीफाई होने के बाद में दोस्तों आपको जो है आपका पैन कार्ड का फोटो डाल देना है। उसके बाद में जो है आपको पैन कार्ड की कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। उसके बाद जो है वेरिफिकेशन आता है बैंक का। आपको जो है बैंक का एक पासबुक का फोटो या फिर जो है आपका कैंसिल चेक का फोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको बैंक की इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करनी है। सबसे लास्ट में जो है दोस्तों आपको जो है आधार कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर देनी है। अगर दोस्तों आपकी सभी इन्फॉर्मेशन राइट रही तो आपको जो है एक दिन के अंदर जो है वेरिफिकेशन का जो है मैसेज मिल जाएगा कि आपका जिप पे अकाउंट जो है वेरीफाई हो गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा जो है जिप पे का अकाउंट वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई होने के बाद में दोस्तों जो राइट साइड में सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन आता है माय एड्रेस का, इस पर आपको क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे जो है एक QR कोड आ रहा है और उसके नीचे जो है आपका एड्रेस आ रहा है। तो आपको जो है इस एड्रेस को जो है कॉपी कर लेना है और आपका जो बिटकॉइन वॉलेट है यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ताकि जो है बिटकॉइन आपके जो भी वॉलेट में जमा हो रहे हैं, आपके सेव हो रहे हैं, वहाँ से जो है आप जिप पे में सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों बिटकॉइन को जो है आप जिप पे के जरिए जो है आपके करेंसी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जिप पे में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो है आपके बिटकॉइन को जो है एक्सचेंज कर सकते हो आपके रुपीज़ में या फिर आपके कोई भी और करेंसी हो उसमें। तो दोस्तों इसके जरिए जो है आप आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जो है सेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है हमने गूगल क्रोम पे जो है एक्सटेंशन स्टार्ट कर दिया है बिटकॉइन माइनिंग के लिए। उसके बाद जो है बिटकॉइन वॉलेट भी क्रिएट कर लिया है, बिटकॉइन वॉलेट का जो है अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है और उस बिटकॉइन को जो है एक्सचेंज करने के लिए जो है जिप पे पे जो है अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है, यानी कि सभी जो है स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमको जो है कितना टाइम लगने वाला है 0.001 BTC माइनिंग करने के लिए और आज की डेट में जो है 0.001 BTC का रेट क्या है और ये सब करने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा 0.001 BTC माइन करने के लिए, या फिर इस माइनिंग से आप कितना पैसा कमा सकते हो और कितने टाइम में कमा सकते हो। 0.001 बिटकॉइन का जो रेट है दोस्तों आज के टाइम में वो है 1200 रुपीज के लगभग। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको जो है ये 1200 रुपये अर्न करने में, 1200 रुपये कमाने में कितना टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने जो बिटडिगर जो है एक्सटेंशन चालू कर दिया है, इसको जो मैं लगभग 15 मिनट हो गए चालू करके। आप देख सकते हो यहाँ पे जो 0.00000000119 बिटकॉइन जो है मैंने माइन कर लिया है 15 मिनट में। इस हिसाब से जो है दोस्तों आपको थोड़ा सा जो है कुछ कैलकुलेशन कर लेने हैं तो आपको समझ में आ जाएगा आप कितने टाइम में जो है 0.001 बिटकॉइन जो है माइन कर रहे हो। इसके लिए आपको जो है इसको मल्टीप्लाई करना होगा कि आप दिन में कितना कमा रहे हो, दिन में कितना माइनिंग कर रहे हो और जो है एक महीने में कितना माइनिंग कर रहे हो। मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ दोस्तों, मैंने जो है सब कैलकुलेशन कर लिया है। कैलकुलेशन करने के बाद में जो है मुझे पता चल गया है कि कम से कम मुझे जो है 4 महीने लगने वाले हैं, यानी कि दोस्तों मुझे जो है 4 मंथ लगने वाले हैं 0.001 बिटकॉइन जो है माइन करने में। और दोस्तों 0.001 बिटकॉइन माइनिंग करने के बाद इसको अगर मैं रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो वो जो है 1200 रुपये के करीब हो जाते हैं आज के डेट में। आगे चल के ये जो रेट है कम भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं।
तो आप ही सोच लीजिए कि आपको जो है कंटिन्यू 3-4 महीने तक आपका जो है सीपीयू जीपीयू ऑन रख के, आपका कंप्यूटर लैपटॉप ऑन रख, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपको कंटिन्यू चालू रखनी होगी। उसके बाद में जो है आप कुछ माइनिंग कर लेते हो बिटकॉइन, तो उसकी कॉस्ट होती है 1200 रुपये के लगभग, जो कि आपको 4 महीने लग जाते। इसके हिसाब से देखा जाए तो आपको जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही ज़्यादा आ जाएगा। और दोस्तों ये सब करने के बाद में अगर आपको लगता है कि आप 1200 रुपये घर बैठे बैठे कमा रहे हो, या फिर बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चालू है उसके जरिए कमा रहे हो, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो देखिए दोस्तों इसके लिए जो है आपका कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, जो कि आपके जीपीयू और सीपीयू पर बहुत ही जो है इफेक्ट करता है। आपका जो लैपटॉप का कंप्यूटर का फैन है कंटिन्यूसली जो है चालू रहता है, ताकि ये जो है कुछ एल्गोरिथम जो है सॉल्व कर सके। बिट डेगा जो है दोस्तों आपके कंप्यूटर का लैपटॉप का यूज़ करके, आपके फैन जो है ग्राफिकल मेमोरी का यूज़ करके जो है बहुत से जो है एल्गोरिथम सॉल्व करने में इसको जो है लगा लेता है उस प्रोसेस में, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो है लैपटॉप है या फिर पीसी है सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, या फिर कुछ दिनों में जो है आपकी सिस्टम जो है फेल हो सकती है, आपका ग्राफिक वगैरह मेमोरी वगैरह सीपीयू वगैरह कुछ जो है क्रैश भी हो सकता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो है दोस्तों आपको जो है ये बिट डिगर या फिर इसका कुछ यूज़ नहीं करना चाहिए। थोड़े से पैसे के लिए जो है आप आपकी सिस्टम को या फिर लैपटॉप को जो है इस रिस्क में नहीं डाल सकते। तो फ्रेंड्स आपको इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर इसके बारे में कोई और जानकारी मुझे अगर पता चले तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि बाकी के लोग भी जो है इस इन्फॉर्मेशन को जो है जान सके। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है।